लेवल्स ऑफ मेजरमेंट में जो दूसरा लेवल ऑफ मेजरमेंट हमने पढ़ा था वो ऑर्डिनल था। अब हम इस मॉड्यूल में ऑर्डिनल डेटे के करेक्टरिस्टिक्स पे गुफ्तगू करते हैं। ऑर्डिनल डेटे के लफ्ज से अगर आप गौर करें तो ये ऑर्डर से, तरतीब से निकला हुआ है। तरतीब से मुराद ये है कि इसमें जो भी नंबर हम अलॉट करेंगे, कोड करेंगे, उस नंबर में एक तरतीब पाई जाती होगी। बड़ा नंबर उस करैक्टरिस्टिक्स के ज़्यादा होने को जाहिर करेगा बनिस्बत छोटे नंबर के। जो पहले मैंने मिसाल पिछले मॉड्यूल में ली थी क्वालिफिकेशन की, उसी को आगे बढ़ा लेते हैं। क्वालिफिकेशन में आप देखिए कि हमने कहा कि मैट्रिक को हमने 1, एफ ए को 2। तो बेसिकली क्वालिफिकेशन से मुराद क्या है, आपने कितने साल तालीम हासिल की। तो जो आपके जब तालीम हासिल करने वाले साल ज़्यादा होते जा रहे हैं तो आपका कोड भी बड़ा होता चला जा रहा है। मैट्रिक के लिए 1 था, एफ ए के 2, बी ए के 3। इसी तरह एक और मिसाल मैं लेता हूँ जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं रिसर्च में, जिसको आप लिकर्ट स्केल कहते हैं। अब मैं एक सवाल लिखता हूँ और उसके आगे लिकर्ट स्केल बनाता हूँ, जो होता है स्ट्रांगली डिसएग्री से लेके स्ट्रांगली एग्री तक। स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल और फिर उसके आगे एग्री और स्ट्रांगली एग्री, 5 पॉइंट्स होते हैं। इसी तरह आप इन 5 पॉइंट्स को किसी और तरीके से भी लेबल कर सकते हैं, मसलन नेवर से लेके ऑलवेज तक भी लेबल किया जा सकता है। अब इनमें आप देखिए कि मैंने सवाल लेट से आपसे ये पूछा कि मुझे हॉकी खेलना पसंद है, और अब आपने आगे 1 से लेके 5 तक, 5 तक किसी नंबर को टिक करना है। तो जो शख्स 4 को टिक करेगा वो, इसका मतलब है कि वो जो 3 को टिक कर रहा है उसके मुकाबले में 4 को सेलेक्ट करने वाला बंदा हॉकी को ज़्यादा पसंद करता है। आप जितना बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे आप हॉकी उतनी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वेरिएबल था हॉकी खेलना, और जो आगे न्यूमेरिकल कोड्स दिए हुए हमने उस स्केल के ऊपर, उनमें से बड़ा नंबर होता जाएगा, तो जितना बड़ा नंबर है उतना ज़्यादा वो इस बात को जाहिर करता है कि आप हॉकी को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मतलब है तरतीब पाई जाती है। बड़ा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पसंद के ज़्यादा होने को, यानी उस वेरिएबल की क्वांटिटी आप में ज़्यादा है इस बात को जाहिर करता है। ऐसे तमाम कोडिंग जो हम करते हैं, ऐसे तमाम कोड्स जो हम अलॉट करें और उनमें ये सिफ्त पाई जाती हो कि उनमें बड़ा नंबर उस करैक्टरिस्टिक के बड़े होने को जाहिर करता हो जिसको मेजर किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डिनल है, इसमें तरतीब पाई जाती है। तरतीब क्या है, हायर नंबर मीन्स हायर डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ द वेरिएबल मेजर्ड, जिस वेरिएबल को मेजर किया उसकी ज़्यादा क्वांटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती हो, तो ये ऑर्डर्ड वेरिएबल है। क्वालिफिकेशन की मिसाल रखी और ये जो आप लिकर्ट स्केल पे जितने सवाल पूछते हैं उन तमाम की इसमें, उन तमाम के तमाम को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब देखिए कि 3 करैक्टरिस्टिक जो मैंने यहाँ लिखे, एक तो ये कि ऑर्डर होता है, तरतीब होती है इसके अंदर, हायर नंबर हायर डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल को जाहिर करता है, उस एट्रीब्यूट के ज़्यादा होने को जाहिर कर रहा होता है। लेकिन इसके अंदर जो एक गड़बड़ है, जो कमी है, वो ये है कि इसके इंटरवल इक्वल नहीं होते। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि जिसने 4 को सिलेक्ट किया था हॉकी पसंद करने में, वो जिसने 2 को सिलेक्ट किया था उससे 2 गुना ज़्यादा पसंद करता है हॉकी को? या यूँ कह लीजिए कि क्या जितना फ़र्क हॉकी पसंद करने में 1 और 2 वाले में है, क्या उतना ही फ़र्क 2 और 3 वाले में भी है? इसकी आप गारंटी इसमें नहीं दे सकते, हमें इसका पूरी तरह से पता नहीं। ये पता है कि जिसने 3 को सिलेक्ट किया होगा वो ज़्यादा पसंद करता है हॉकी खेलना बनिस्बत 2 वाले के, 2 वाला ज़्यादा पसंद करता है हॉकी खेलना बनिस्बत 1 वाले के, लेकिन 1 और 2 में जितना फ़र्क है लाजमी नहीं कि पसंद का उतना ही फ़र्क 2 और 3 में हो, उतना ही फ़र्क 3 और 4 में हो, और उतना ही फ़र्क 4 और 5 में हो। इस बात की मेरे पास कोई गारंटी नहीं होगी। जब तक मेरे पास ये गारंटी नहीं है तो मैं कहता हूँ कि जो डेटा मेरे पास मौजूद है ये अपनी नेचर में ऑर्डिनल है, इसके इंटरवल्स क्योंकि बराबर होने की मेरे पास कोई गारंटी या कोई सबूत नहीं होता।
इसी तरह इसके अंदर एक और है, इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं पता होता। जैसे मैंने पहले कहा ना कि इसका फोर लाजमी नहीं कि इस टू टाइम्स ऑफ टू, दो का डबल फोर होगा, ये इसमें गारंटी से हम नहीं कह सकते, क्योंकि जब उनके इंटरवल ही बराबर नहीं है, जब उनके दरमियान स्पेस बराबर नहीं है, वन और टू में और टू और थ्री में जो फ़र्क है ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर आप इसके मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते कि दो 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 गुना दो का चार, ये नहीं मैं कह सकता उसके इस गारंटी के बगैर। तो इसमें एक ही करेक्टरिस्टिक जो है वो नॉमिनल से ज़्यादा है, और वो है कि इसके नंबर्स में एक ऑर्डर पाया जाता है, हायर ऑर्डर मीन्स हायर डिग्री ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल। एक बात और यहाँ आप याद रखिएगा कि जूँ जूँ हम आगे चलेंगे ना, नॉमिनल से ऑर्डिनल, ऑर्डिनल से इंटरवल, तो हर अगले लेवल में पिछले लेवल के करेक्टरिस्टिक शामिल होते हैं। मैं इसी से उसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, जिसने मुझे हॉकी कितनी पसंद, मैं या हॉकी बहुत पसंद करता हूँ, तो उसने उसमें जिसने टू को सर्कल किया, मुझे इसमें क्या पता चला, एक तो ये कि वो पाँच की डिवीजन में जो स्केल है मेरा, उसमें वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी प्लेस पता चल गई, उसकी उसको रिकग्नाइज कर लिया कि मैंने ये जितने भी टू पे आएंगे ये सब एक जितना पसंद करते हैं हॉकी को, तो उनकी प्लेस पता चल गई। साथ साथ ये भी पता चला कि ये टू वाला जो है ये वन से ज़्यादा पसंद करता है हॉकी को और थ्री से कम पसंद करता है, तो उसकी तरतीब भी पता चल गई। नॉमिनल में क्या था, मुझे सिर्फ उनकी रिकग्निशन होती थी, पहचान हो जाती थी, बड़े छोटे का पता नहीं चलता था, ज़्यादा कम का पता नहीं चलता था। तो जेंडर में जैसे मेल और फीमेल, जिन्होंने टू को स्टिक किया वो सब फीमेल हैं, जिन्होंने वन को किया वो सब मेल हैं। वन बेहतर होता है टू से या टू बड़ा होता है वन से, ये नहीं था उसमें, सिर्फ रिकग्निशन था। जब ऑर्डिनल हुआ तो रिकग्निशन भी है और साथ साथ उनकी तरतीब का भी पता चलता है। सो दोनों करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर डेटा में नॉमिनल वाले करेक्टरिस्टिक्स भी हैं और ऑर्डिनल का अपना करेक्टरिस्टिक्स भी उसमें मौजूद है। इसी तरह जब हम आगे जाएंगे तो इसके बाद इंटरवल में, तो हम देखेंगे कि इंटरवल डेटा में नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की सिफात भी होती हैं और साथ कुछ इजाफी होता है जो ऑर्डिनल और नॉमिनल में नहीं होता। स्लाइड पे आपके सामने मैंने मिसालें लिखी हुई हैं ताकि आप अगर मेरी बयान करदा मिसाल से पूरी तरह नहीं समझ सके तो आप इन मिसालों को पढ़िए और इनसे आपको और भी बेहतर समझ आएगी।